सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगिड स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 में जो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड एज है लड़कियों की, बेसिकली उसे 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाएगा, कब करा जाएगा और अभी तक क्यों नहीं करा गया है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बेसिकली मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने एकदम क्लियर करा हुआ है कि लड़कियों की शादी की उम्र अभी भी 18 साल ही है, 21 साल नहीं हुई है। लेकिन पार्लियामेंट में बिल जरूर पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के उस बिल पर असेंट नहीं मिली है, यानी कि उस पर साइन नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से ये अभी तक जो है कानून का रूप नहीं ले पाया है। बेसिकली बात शुरू हुई थी दिसंबर 2021 में कैबिनेट से एक जो है ये रिकमेंडेशन गई थी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर देनी चाहिए, जिसके बाद में दोनों सदनों से, राज्यसभा से और लोकसभा से, ये बिल पास हो गया था बहुमत के साथ में कि लड़कियों की बेसिकली उम्र सच में 21 साल कर देनी चाहिए। 18 साल जो है सफिशिएंट नहीं है किसी भी लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में दोनों सदनों में यहाँ पर जो है बिल पास हो गया था दिसंबर 2021 में। अब बात आती है कि जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है तो उसके बाद में वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में बेसिकली, यानी कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास में 2 साल का समय होता है, 2 साल के अंदर अंदर उस बिल पर जो है असेंट देनी पड़ती है, यानी कि उस बिल को साइन करना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस बिल पर साइन कर देते हैं या फिर उस बिल को वापस से पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है। क्यों? यदि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो बिल सफिशिएंट नहीं है या फिर उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ये अभी भी एक बार भी जो है प्रेसिडेंट ने इस पर ना तो असेंट दी है और ना ही जो है इस बिल को एक बार भी फिर से दोबारा रिकमेंडेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजा है। तो बेसिकली दिसंबर 2023 तक का टाइम है प्रेसिडेंट के पास में कि उस बिल पर वो असेंट दे देंगी। यदि असेंट नहीं देंगी तो फिर वो पार्लियामेंट में वापस जाएगा। लेकिन यदि सेकेंड टाइम पार्लियामेंट में जाता है और फिर से दोनों सदनों से वो पारित हो जाता है बहुमत के साथ में, तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास में ये राइट नहीं होता है कि वो दोबारा से बिल पार्लियामेंट में भेजे फिर से रिकमेंडेशन के लिए, फिर से अमेंडमेंट के लिए। बेसिकली सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास में ये पावर नहीं होती है, ये राइट नहीं होता है। सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ती है। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट इस बिल पर कब तक जो है साइन करेंगे, कब तक असेंट देंगे। अब बात आती है कि क्या सच में प्रेसिडेंट भी यही चाहते हैं कि लड़कियों की उम्र 18 से लेकर के 21 साल कर दी जाए? तो मुझे भी यही लगता है कि यस, डेफिनेटली हमारी प्रेसिडेंट भी यही चाहती है कि लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली यदि दिसंबर से पहले पहले, हो सकता है मार्च अप्रैल में, यहाँ पर जो है अभी जो शीतकालीन सत्र बैठा था उसमें तो ये पास प्रेसिडेंट ने यहाँ पर असेंट नहीं दी थी, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में प्रेसिडेंट इस पर डेफिनेटली सिग्नेचर करके ये पास कर देंगे, ये कानून बना देंगे कि लड़कियों की उम्र भी 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कन्फर्म है कि 2023 में लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल हो जाएगी। लेकिन अभी तक लड़कियों की उम्र 21 साल नहीं हुई है, लड़कियों की कोर्ट मैरिज करने की उम्र जो है वो 18 साल ही है। यदि आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। हम लोग जो है कोर्ट मैरिज रजिस्टर करवाते हैं, कोर्ट मैरिज भी करवाते हैं। यदि आप करवाना चाहते हैं तो बेसिकली आप इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपको ये डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियोज बनाए हुए हैं, वो वीडियोज की लिंक भी यहाँ पे नीचे मिल जाएगी, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि 2023 में क्या लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल हो सकती है, और हो सकती है तो कब हो सकती है और क्यों होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको इसमें रीजन बताया है सब कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।